अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अज़ीम हाजिर है फिर नए एक वीडियो के साथ। दोस्तों मेरा जो जॉली अज़ीम का हेल्थ सेक्शन है जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के मैं आपको वेजिटेबल फ्रूट्स हर्ब और स्पाइस के बारे में इन्फॉर्मेशन देता हूँ, मुख्तलिफ किस्म के मैं आपको रेमेडीज बताता हूँ, टोटके बताता हूँ, कुछ इलाज बताता हूँ। तो दोस्तों आज भी मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक आसान तरीके जो है रेमेडी लेकर आया हूँ। और दोस्तों आजकल हर दूसरा तीसरा बंदा जो है कब्ज़ का शिकार है, तो ज़्यादातर चाय पीने से, कॉफ़ी पीने से और मुरगन गजाएँ खाने से और मैदे से बनी हुई जो अशिया होती हैं, पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, समोसे पकौड़े हो गए, ये खाने से इनके पेट के अंदर शदीद किस्म की कब्ज़ हो जाती है। और दोस्तों आंतों के अंदर जो उनका फजला फंसा रहता है जिसकी वजह से आंतों का कैंसर भी हो जाता है और मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ भी हो जाती है, सुस्ती रहती है, चिड़चिड़ापन रहता है। और दोस्तों मर्दों की जितनी भी जिनसी बीमारियाँ हैं वो सिर्फ और सिर्फ कब्ज़ की वजह से होती है। और दोस्तों कब्ज़ जो है मर्दों के लिए सख्त नुकसानदेह होती है। दोस्तों मर्दों को हमेशा आंते और जो है अपना मैदा जो है साफ रखना चाहिए। और दोस्तों अगर आपके आंते साफ रहेंगी तो आप इतनाव से बच सकते हैं, जरियान से बच सकते हैं और जो पेशाब के जो कतरे आते हैं, जो सीमन के वो कतरे आते हैं वो भी नहीं आएंगे। और दोस्तों स्पेशली जो मर्दाना जिनसी अमराज के लिए भी ये नुस्खा बेहतरीन है, तो इसके इस्तेमाल से आपकी पुरानी से पुरानी कब्ज़ दूर हो जाएगी, आपका मैदा साफ हो जाएगा, आपकी आंतें साफ हो जाएंगी। चलिए दोस्तों बगैर टाइम ज़ाया किए रेमेडी की तरफ आते हैं। तो दोस्तों आपने एक कप जो है खालिस दूध लेना है, फुल फैट मिल्क वाला आपने लेना है। और दोस्तों अगर आपको ग्वाले वाला अच्छी क्वालिटी का दूध मिल जाए खालिस तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिले तो कोई मसला नहीं। तो दोस्तों आप जो है टेट्रा पैक भी ले सकते हैं, एक डिब्बी ले लेनी है 250 मिलीलीटर के करीब, जो एक पाव दूध होता है वो आपने लेना है। तो आपने इसे चूल्हे के ऊपर चढ़ा लेना है और दोस्तों आपने जस्ट उसके अंदर जो है 3 से 5 जो जबे लहसुन जो है बारीक काट के चॉप करके बीच में डाल देना है। अगर देसी लहसुन है जो बारीक होता है वो आप 5 डाल दीजिएगा छोटा छोटा काट के, अगर वो चाइना का जो बड़ा वाला लहसुन होता है वो 3 पीस डाल दीजिएगा। तो दोस्तों आपने अच्छे तरीके से इसे बॉईल करना है 3 से 5 मिनट तक, उसके बाद आपने इसे उतार लेना है, आपने इसे नीम गर्म जो है सोने से 2 घंटे पहले पी लेना है। तो दोस्तों आप इसे डेली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बहुत ज़बरदस्त है, ये आपके जो जोड़ों को ताकत देगा, जिस्म को ताकत देगा, जितनी आपकी जिंसी कमजोरी है मर्दाना कमजोरी से दूर करेगा। स्पेशली ऐसे लोगों के लिए बेहतरीन है जिन्हें कब्ज़ रहती है, पुरानी से पुरानी कब्ज़ है, जिन्हें 5-5 दिन पखाना नहीं आता जिसकी वजह से वो सख्त चिड़चिड़े हो चुके हैं, आंतों के अंदर इन्फेक्शन हो चुकी है, तो वो आंतों की इन्फेक्शन भी दूर हो जाएगी। तो आपको पखाना जो खुल कर आएगा, आपका पेट साफ हो जाएगा, आप फ्रेश फील करेंगे। दोस्तों आपको बड़ी इजाज़त जो एक दिन में लाजमी आनी चाहिए, मैक्सिमम 2 दिन के बाद लाजमी आपको आनी चाहिए। दोस्तों इससे ज़्यादा दिन आप कब्ज़ का शिकार रहते हैं, कॉन्स्टिपेशन का शिकार रहते हैं, तो आपके लिए सख्त नुकसानदेह जिनसी बीमारियाँ, चरियान, इतलाम, सुनते अंजाल जितनी भी बीमारियाँ इसकी वजह से होती हैं। तो दोस्तों आपने इसे सदका जारिया समझ के अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और ऐसे लोगों के साथ आपने शेयर करना है जो सख्त कब्ज़ का शिकार हैं, जिन्हें कब्ज़ रहती है। तो मैं आपको पहले भी आपको मुख्तलिफ किस्म की रेमेडीज़ और टोटके दे चुका हूँ, तो आप मेरे वीडियो सेक्शन के अंदर जाके मुख्तलिफ किस्म की रेमेडीज़ दे सकते हैं और कुछ लिंक्स भी मैं डाल दूँगा। तो दोस्तों अगर मजीद आपका कोई सवाल है किसी भी हवाले से, किसी भी मसले के हवाले से, साइकोलॉजिकल मसला है, कोई फिजिकल इशू है, कोई बीमारी है, कोई चीज़ पूछना चाहते हैं, और दोस्तों अगर कोई वेजिटेबल फ्रूट और हर्ब स्पाइस या खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में आप न्यूट्रिएंट फैक्ट्स पूछना चाहते हैं और दोस्तों उनके बेनिफिट्स पूछना चाहते हैं या उनके साइड इफेक्ट पूछना चाहते हैं, तो मुझे जस्ट कॉमेंट के अंदर क्यूरी कीजिएगा, तो मैं आपको उसका जरूर अप्लाई करूँगा। तो मुझे इजाज़त दें, ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।